श्रीगणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। वेद पुरुषाय नमः। परम गुरुभ्यो नमः। परमेष्ट गुरुभ्यो नमः। परात्पर गुरुभ्यो नमः। ओम श्री सद्गुरुदेवाय नमः। मात पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। सच्चिदानंद भगवान की जय। गिरिराधर की जय। दाऊदयाल की जय। वरकाधीश भगवान की जय। श्री सीताराम जी भगवान की जय। गणपति हनुमान जी महाराज की जय। सुख स्वामी महाराज की जय। वेदव्यास जी भगवान की जय। भागवत महापुराण की जय। महंकालेश्वर भगवान की जय। हाटकेश्वर भगवान की जय। रामेश्वरम धाम की जय। समुद्र नारायण भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। नमामि विघ्नेश्वर ओम। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति आदि हेतवे ओम। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर्मर्दनम देवकी परमानंद कृष्णम या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्य नमस्तस्य ओम। या देवी सर्वभूतेषु शांतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्य नमस्तस्य ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै ओम। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा पश्यतु भागवतो शान्ति। Thank you.
दिवस की कथा प्रारंभ करने से पूर्व सच्चिदानंद स्वरूप पर ब्रह्म परमात्मा को हम सब मिलकर दंडवत प्रणाम करते हैं। द्वारिकाधीश को वंदन, उनकी आभा का स्मरण, भगवान रामेश्वरम को वार वार वंदन, उनकी आभा का स्मरण, श्रीमद् भागवत महापुराण और सुखदेव जी महाराज को वंदन, पांडाल में मंचा से विराजित साधु संत महात्मा ब्राह्मणों को प्रणाम करने के बाद आज द्वितीय दिवस की कथा श्रवण करने पधारे आप सभी श्रद्धालुओं को हमारा प्रणाम। भागीरथी के तट पर बट वृक्ष के नीचे 16 वर्षीय सर्वांग सुंदर महात्मा सुखदेव मुनि विराजमान और राजा परीक्षित गंगा की रेती में बैठकर भगवान की पतित पावनी कथाओं को श्रवण कर रहे हैं। महात्मा सुखदेव मुनि राजा परीक्षित से कहते हैं कि राजन, ईश्वर प्राप्ति में सबसे बड़ी अगर कोई बाधा है तो उस बाधा का नाम है काम। भगवान का मिलना असंभव नहीं है, संभव है, पर काम जो है वो इस जीव को ईश्वर से मिलने नहीं देता। आप थोड़े थोड़े आगे सरके आ, थोड़े थोड़े सबसे प्रार्थना है अपनी जगह से थोड़े थोड़े आगे आ जाए। बोलो राम नाम बोलो मन हरे राम बोलो रे राम नाम इनको उठ के सुखला जी सोलंकी जी इनको उठ के आगे बुला आगे सुखला जी आगे आगे राम नाम बीत गए बीत गए
काम से अगर जीतना है तो उसका केवल एक उपाय है कि आप शिव तत्व का सहारा लीजिए। काय का शिव तत्व जो है वो काम को शांत कर देता है। और ये काम इतना परेशान करता है, अंदाज लगा के देखना उसको, कई साधक भाई बहन बैठे यहाँ पे जो माला करते हैं, भजन करते हैं, सुमरण करते हैं, जिस समय वो भजन में बैठते हैं उसी समय काम सक्रिय होता है। आप अंदाज लगा के देख लो, कभी पूजन में बैठो, आप पाठ में बैठो, कभी इतने गंदे विचार मन में नहीं आए, पर जैसे ही माला उठाई उसी समय वो काम सक्रिय हो जाता है। इतने गंदे विचार आएंगे जिनके बारे में आपने सोचा नहीं होगा। आप होटल में बैठ जाओ, अच्छा विचार आएगा। रेलवे स्टेशन पे बैठ जाओ, अच्छा विचार आएगा, पर जैसे ही माला उठाई वैसे ही फिर अनेक प्रकार के विचार आने लगे। फिर संतों से पूछा गया कि ये काम इस मन को परेशान करता है, इसका उपाय? उसी समय फिर संतों ने जवाब दिया, शिव तत्व को आगे करो। अपने सामने कथा सुनी होगी ना, भगवान शंकर ने कामदेव को जला के राख कर दिया, जल गया। इसलिए जब भी माला लेके बैठो, भजन में बैठो, सुमरण में बैठो, किसी महापुरुष से हमने सुना वो आपको बताएं, सबसे पहले हाथ में जल लेके भगवान शिव का आवाहन करो और उस शिव से कहो कि हे महादेव, मैं इस समय पूजन करने बैठ रहा हूं या भजन करने बैठ रहा हूं और मैं जानता हूं ये काम मेरे को परेशान करेगा, पर महादेव मैं जितनी देर पूजन में बैठूं उतनी देर आप इस काम को शांत रखना और वो जल जमीन पे छोड़ देना, महादेव आपकी सहायता करेगा।
इसीलिए तो वो जल रखा है। जल तत्व क्या है? शिव तत्व है। शांत कर देगा, भले कुछ देर के लिए शांत करे, पर कर तो देगा। आपसे एक बात पूछे, गैस भट्टी के ऊपर एक दूध से भरा हुआ पात्र रखा है, ध्यान इधर रखना, गैस भट्टी पे क्या रखा? दूध से भरा एक पात्र रखा और भट्टी जल रही है। एक स्थिति आती है कि वो भट्टी की अग्नि उस दूध में उफान मारती है, मरेगा उफान दूध, बहुत देर तक रखा है और वो भट्टी जल रही है, दूध उफनी मारेगा कि नहीं? मारेगा, है नहीं? अब दूध में उफनी आई, आपके पास उस समय उस पात्र को उतारने के लिए कोई साधन नहीं है, ना संसी है, ना कपड़ा है, ना कोई और साधन है कि वो दूध की तपेली उतार के और नीचे रख दो, और नहीं उतारा तो दूध उफनी मारेगा कि नहीं? दूध नीचे धुल जाएगा। आपके पास कोई साधन नहीं हो, पर अगर आपके पास एक लोटे में पानी भरा रखा हो, दूध उफनी मारने वाला था, उसके पहले आपने वो पानी का लोटा उठाया और उस दूध में आपने पानी डाला, बोलो क्या अब दूध उफनी मारेगा? भले चाहे दो चार पांच मिनट के लिए उस पानी ने उस उफनाने वाले दूध को रोक दिया। ऐसे ही संतों ने कहा है, जैसे एक लोटा जल दूध को उफनाने से रोक सकता है, ऐसे ही शिव तत्व भी इस जीव के अंदर आने वाले काम को रोक सकता है। जब कभी भी आपको काम उफनी मारे, क्रोध उफनी मारे, लोभ उफनी मारे, उसी समय बैठ के और हे महाकाल नमः शिवाय ओम, 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 शिवाय ओम नमः, शिवाय ओम नमः, शिवाय ओम नमः, शिवाय ओम नमः, बोलिए नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय मंत्र का जाप शुरू कर दो, काम शांत होगा। आप सबने कथा सुनी होगी महारास की, सुनी? भागवत में कथा आती है, महारास में करोड़ों गोपियां थी और पुरुष कितने थे? केवल एक, भगवान श्री कृष्ण, और वो काम की और श्याम की लड़ाई थी। काम कहता है श्याम से,
श्याम मैंने आज तक किसी को छोड़ा नहीं है, और तुम कहते हो कि काम तू मेरे ऊपर असर नहीं करेगा। भगवान श्री कृष्ण ने उसी समय कामदेव से कही, कामदेव मैं तेरे को खुली चुनौती देता हूं, तू मेरे को अजमा ले। तो उस समय काम ने कही, अकेले में अजमाने में आनंद नहीं आएगा, है अकेले में तो कोई भी कह सकता है मैंने काम को जीता। गोविंद तुमको तब मानूंगा मैं जब तुम नारी के साथ रहो और उस समय तुम्हारे अंदर कोई वासना ना भड़के, उसके बाद फिर मैं तुम्हारा नाम रखूंगा कि योगेश्वर श्री कृष्ण। भगवान ने कही ठीक है आ जाओ करते हैं अपन। शरद पूर्णिमा की रात भगवान ने बांसुरी बजाई और करोड़ों गोपियों को उस महाराज की दिव्य वेला में बुलाया, पर भगवान ने गोपियों को बुलाने से पहले भगवान शिव को बुलाया। कथा सुनी होगी आपने, कौन का आवाहन किया? शिव का आवाहन किया। और शिव का आवाहन क्यों किया? हे महादेव आज मैं करोड़ों गोपियों के बीच में अकेला जाऊंगा और उस समय काम मेरे ऊपर अपना बाण चलाएगा, और महादेव मेरे को मालूम है इस काम से अगर कोई बचा सकता है तो वो केवल आप। उसी समय भगवान महाकाल का आवाहन किया और उसके बाद फिर भगवान श्री कृष्ण उन गोपियों के बीच में गए। आप सबने कथा सुनी होगी, भगवान गोपियों के बीच में रहे, काम अपना बाण चलाता, पर भगवान श्री कृष्ण के ऊपर उसके बाणों का कोई असर नहीं हुआ, शांत हो गया। आ रहा है आपके समझ में? कैसा हो गया? शांत हो गया। इसलिए जब कभी भी अगर मन में कोई इच्छा उठे, कोई वासना उठे, बराबर शिव को याद करो। और भगवान की बड़ी कृपा है कि आप और हम सब यहां बैठ के भगवान रामेश्वरम की नगरी में भागवत कथा श्रवण कर रहे हैं। इसलिए यहां से उससे कहके जाना कि ना हे महाकाल, जब कभी भी तेरी कथा हो, भगवान की कथा हो, कहीं तीर्थ जाना हो, कहीं मंदिर जाना हो, कभी माला करना हो, और अगर ये काम मेरे को परेशान करे तो हे रामेश्वरम भगवान, जैसे आपने काम को जला के नष्ट कर दिया था, ऐसे ही आप मेरे भी काम को जला के नष्ट कर देना। करो बराबर शिव तत्व से जुड़ने का प्रयास कर। आपका इष्ट कोई भी हो, आप किसी को भी मानो, गणेश जी को मानो, दुर्गा जी को मानो, राम को मानो, कृष्ण को मानो, पर शिव को जरूर साथ में रखना। आ रहा है आपके समझ में? कौन को साथ में रखना? शिव तत्व को जरूर साथ रखना, क्योंकि महापुरुषों से सुना है बिना शिव के साधना अधूरी है। इसलिए जब कभी भी बैठो, हाथ में जल लिया और बैठ गए, महादेव आप आओ, बराबर आएगा। ये क्रियाएं कुछ हम माला करते, भजन करते हैं, पर अपने को मालूम नहीं है कैसे करना, कैसे करना भजन, कैसे करना सुमरण, कैसे करना दर्शन। दर्शन का भी एक अलग महत्व है, कैसे दर्शन करना है। भगवान के मंदिर में भी जाओ कैसे भागते भागते नहीं जाना, कई लोग भागते ही भागते जा रहे, केवल चले ही। ईश्वर के सानिध्य में जब भी बैठो, महापुरुष से सुना है, तो उस ईश्वर की जो मूर्ति है उस मूर्ति को कुछ क्षण के लिए निहारो। क्या करो? कुछ क्षण के लिए निहारो। अब कोई ये कह सकता है क्या मूर्ति निहारने से उसका फायदा क्या है? देखो संसार भी कहां से शरीर में घुसता है? आंख से। और ईश्वर भी शरीर में कहां से घुसेगा? आंख से। दोनों का रास्ता एक है, राम का भी और काम का भी, प्रवेश द्वार एक ही है,
भगवान राम को भी अगर अंदर ले जाना है आंख के द्वारा अंदर चला जाए, और अगर काम को अंदर ले जाना है तो काम भी आंख के द्वारा ही अंदर जाए। और जैसे ही अंदर गया फिर महापुरुषों ने लिखा है इसके ना देखे जात, बड़ा प्रचंड वेग है साहब काम का, इश्क ना देखे जात, नींद ना देखे टूटी खाट, और भूख ना देखे जूठो भात। इसके जात नहीं देखता है जो आजकल चल रहे हैं, इसमें जात आत नहीं कि उसमें प्रचंड वेग है काम में। इसलिए तो महापुरुषों ने लिखा है एकांत में ध्यान इधर रखना। हो महापुरुषों से सुना, पहले काम की उम्र जो थी वो 14-15 साल की उम्र में शरीर के अंदर काम प्रवेश करता था, पर अब 7-8 साल की उम्र में ही वो काम प्रवेश करने लगा, घट गई उसकी उम्र 7-8 साल में आ गया। इसलिए महापुरुषों ने लिखा है एकांत में अपनी मां और बहन के साथ भी नहीं बैठना चाहिए, इतना खतरनाक है। लिखा एक महापुरुष ने इसको कि एकांत में अपनी मां और बहन के पास भी मत बैठो, क्यों, ये वहां भी भड़क सकता है। उम्र देखे नहीं, कुछ जात देखे नहीं, कुछ पात देखे नहीं, कुछ नहीं देखे, कुछ नहीं। जिस समय ये सक्रिय होता है, क्योंकि एक प्रसंग पढ़ा था हमने, एक राजा और एक मंत्री रात को अपने नगर में भ्रमण करने के लिए निकले। अब जब वो दोनों भ्रमण करने के लिए निकले, आधी रात को एक बड़ी दीनहीन महिला जिसकी नाक से मवाद बहरा, कान से मवाद बहरा, आंख से मवाद बहरा, उस इतनी दीन और दरिद्र महिला को वो राजा और मंत्री ने देखा, पर वो उसकी स्थिति थी कि उस समय वो महिला जो थी वो गर्भ से थी। उस राजा की नजर उस दरिद्र महिला के ऊपर पड़ी, उसने अपने मंत्री से पूछा, मंत्री एक बात का जवाब दे, जिस महिला को देखने में मेरे को घिन आ रही है, मेरे को ये आश्चर्य होता है इसके साथ आखिर भोग किसने भोगा होगा, इतनी गंदी महिला जिसको देखने में घिन आ रही। मंत्री क्या ये संभव है कि कोई पुरुष इस महिला के साथ भोग भोग सकता है? मंत्री ने कही भोग सकता है, मैं मान ही नहीं सकता। उस समय उस मंत्री ने कहा, राजा साहब जब शरीर में काम सक्रिय होता है तो वो काम फिर कुछ नहीं देखता है, कुछ भी नहीं देखे। इसलिए यहां आए हो तो उस काम से बचना हो तो केवल ये बैठे यहां भगवान रामेश्वर, जो कल आपसे कहा था ना कि जय रामेश्वर दर्शन कराए, जय रामेश्वर दर्शन कराए, जय रामेश्वर दर्शन कराए, जय रामेश्वर। जो गंगा जल आन चढ़ावे, जो गंगा जल आन चढ़ावे, जो गंगा जल आन
दर्शन कराए, केवल दर्शन से मुक्ति मिले। इसलिए आपसे निवेदन है कि दर्शन भगवान का करो, बराबर उसको नयन में बसाने का प्रयास करो। देखो उसको, क्योंकि ये साधारण नहीं है। ये जगह जहां हम बैठे हैं साधारण नहीं है, और ये जो रामेश्वरम भगवान है इनकी स्थापना भी जो की गई है वो कोई साधारण व्यक्ति ने नहीं करी है। इस रामेश्वरम भगवान की जो स्थापना है वो राजा रावण ने करी है। सुनी आपने कथा है, रामेश्वरम जी की प्राण प्रतिष्ठा कौन ने करी? पंडित कौन था? राजा रावण। और यजमान कौन? भगवान राम। ये किसी महापुरुष की एक पुस्तक से हमने पढ़ा था, अपनी रामायण में नहीं है, ये दक्षिण की रामायण में उसका वर्णन है। भगवान राम के मन में इच्छा हुई कि मैं समुद्र के ऊपर शिवलिंग की स्थापना करूं। सारी तैयारियां हो गई, पर पंडित नहीं। पंडित जी तो वो है जो पूजन करा है, पंडित कौन? उसी समय भगवान राम के मन में आया कि इस समय सबसे ज्यादा अगर विद्वान इस धरती के ऊपर कोई पंडित है तो वो राजा रावण है। राम जी ने जामवंत जी से कहा, जामवंत जी आप जाइए और लंकेश को समाचार दो कि दशरथ के राजा दशरथ, उनका बेटा राम समुद्र के किनारे शिवलिंग का पूजन करना चाहता है और आपको ब्राह्मण बनाना चाहता है, आचार्य बनाना चाहता है, और आपको निमंत्रण देता है कि आप पूजन कराने के लिए पधारे। जामवंत जी ने कही मान जाएगो, दुश्मन के यहां भेज रहे,
भगवान है कि तुम जाओ और उससे बोलो बराबर मानेगा। जामवंत जी गए और जामवंत जी ने जाके रावण के सामने हाथ जोड़ के कहा, लंकेश राम जी का समाचार है। क्या समाचार है? आपको पूजन करने के लिए राम जी ने बुलाया है, चलोगे? रावण ने जामवंत जी के हाथ जोड़ के कही, चलो, कोई तो मिला इस धरती पे जिसने मेरे को ब्राह्मण माना है? कोई तो मिला जिसने कही के नहीं, रावण बहुत विद्वान है। जामवंत जी, आप जाके राम जी से कह दो रावण ने आपका निमंत्रण स्वीकार किया। पर जामवंत जी पूजा राम जी करेंगे? बोले शंकर जी की। बोले जी करेंगे, पर जोड़ा तो है ही नहीं, अकेले ही है। बोले अकेले ही। तो जामवंत जी ने कि जोड़ा तुम्हारे पास है, तुम ले आना। माता जानकी कहाँ है? आपके पास। आप लेके माता जानकी को समुद्र के किनारे पर पहुंचिए, बाकी व्यवस्था मैं देखता हूं। जामवंत जी लौट के आए, राम जी ने पूछी, भैया जामन? बोले हाँ, क्या सूचना है? बोले तैयारी करो, पंडित जी आ रहे हैं। और उस समय फिर भगवान राम यहां तैयारी करके बैठे और रावण माता जानकी के पास अशोक वाटिका में जाता है और माता जानकी से कहता है, जानकी जी, आपके पति और मेरे शत्रु, आपके पति और मेरे शत्रु भगवान शिव का पूजन कर रहे हैं समुद्र के किनारे, इसलिए आप मेरे साथ उस पूजन में सम्मिलित होने के लिए चलिए। जानकी जी की, मैं क्या करूंगा? उनकी जोड़ा कहां से बने? जब तक आप नहीं चलोगी तब तक भगवान राम के साथ पूजन पे कोई कौन बैठेगा? आप मेरे पास हो। पर जानकी जी, आपसे मैं निवेदन करता हूं, ये रावण ने कहा है, पढ़ा हमने, माता जानकी को रावण ने निवेदन किया, माते पूजन के बाद आप पुनः मेरे साथ लौट के और लंका में आ जाएंगे। ऐसा मत करना श्रीमान जी को देख लियो कि अब हम नहीं जा रहे हैं, है? मामलों गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि जिसलिए मैंने आपको लेके आया हूं मेरा वो काम अधूरा रह जाएगा। इसलिए माते आपसे निवेदन है, आप मेरे साथ चलिए, आपके पति के साथ आप पूजन पे बैठिए और फिर पूजन करने के बाद पुनः आप मेरे साथ लंका लौट आइएगा। रावण आया, माता जानकी को साथ लाया, भगवान राम के साथ जोड़े सहित भगवान राम और माता जानकी को पूजन के लिए बिठाला और रावण ब्राह्मण बनके और एक सिंहासन के ऊपर बैठा। भगवान राम रावण को प्रणाम कर रहे, आइए ब्राह्मण देवता प्रणाम। भगवान राम भी डरे ब्राह्मणों से, इसलिए तो दूर से ही अपन पंडितों से कह देते, पंडित जी पालागी, क्योंकि रावण वही तो देख रहा था, जब मैं जाऊं उस समय राम और लक्ष्मण मेरे को प्रणाम करते हैं कि नहीं है। भगवान राम ने लक्ष्मण जी से कह दी, दादा आए तो पालागी कर ली, क्योंकि ब्राह्मण है और तपोनिष्ठ ब्राह्मण है। और आप सबने कथा सुनी होगी, भगवान राम ने शिव जी का पूजन किया और जहां अपन बैठे हैं जिस शिवलिंग का आप दर्शन करके मुख्य मंदिर में आए हो उसका पूजन रावण ने कराया है और भगवान राम ने पूजन करके शिवलिंग की स्थापना की है। आया आपके समझ में? तो प्राण प्रतिष्ठा कौन ने करी? ये नहीं की रावण, ब्राह्मण रावण, यजमान भगवान राम, तो ये साधारण नहीं है, बहुत अलग है भगवान रामेश्वरम जो सहज में मुक्ति प्रदान कर देते हैं। इसलिए आपसे निवेदन है, मंदिर में जाओ दर्शन करो और ज्यादा से ज्यादा हो सके तो वहां बैठ के राम नाम का जाप करो, जितना हो सके उतना राम नाम का जाप करो।
मंदिर में चले गए, कहीं भी एक किनारे कोने में बैठ के राम नाम का जाप करने लगे। आज सुबह भी राम माला हुई थी 8:30 बजे से। कितने बजे से? 8:30 बजे से। कल भी राम माला होगी, तो आपसे निवेदन है यहां आ गए तो इस मौके का फायदा उठा लो। कई लोग तो भाई टेम पे आएगा देखना, तो उन्होंने की बज गए 3:30, आप चलो। क्यों? उन्होंने की भूख लगी, भाई टेम पे आएगा। अभी ना भागवत से कोई लेना न देना, ना मंदिर से कोई लेना न देना, ने भजन से कोई लेना न देना, उनको केवल खावा की चिंता है, केवल भोजन के लिए। तो यहाँ इतनी दूर भोजन के लिए आए अपने घर से, तो उससे अच्छा था अपने घर में ही रहना, अपने घर में ही रह के और बढ़िया भोजन करते और कूलर पंखे में सोते। इतनी दूर आए क्यों हम यहाँ? केवल भजन करने के लिए आए। तीर्थ में आपसे कल निवेदन किया था, तीर्थ में केवल भजन करने के लिए जाया जाता है, केवल भजन का काम है तीर्थ में, और कोई काम नहीं है। जितने भी तीर्थ बने हैं और जितने भी साधु संत महात्मा को देखना, वो केवल भजन का काम करते और दूसरा कोई काम करते ही नहीं। ये भी नहीं कह रहे हम आपसे 24 घंटे भजन ही करो, पर रोज सुबह, आज 3 राम माला हुई थी, आप आ जाते सब लोग, कितने भगवान के नाम एक साथ निकल जाते है? अपनी आत्मा का कल्याण, अपने परिवार का कल्याण, कभी कोई दुख नहीं आए, कोई संकट नहीं आए, कोई परेशानी नहीं आए, क्योंकि ईश्वर का नाम जो है वो अमोघ है। तुलसी अपने राम को रीज भजो या खीज, भूमि पड़े उगेंगे उल्टे सीधे बीज। केवल भजन करना साहब, अपने को बैठ के 7 दिन के लिए आया, जो भी है ठीक है, व्यवस्था है तो ठीक, नहीं है तो ठीक। हम इसलिए यहां जो कथा बांचने आते तीर्थ में, कई बार तो मन में जे आए कि जे बंद कर दो, क्योंकि लोग यहां उतरे नहीं कि उसके पहले फोन शुरू, पंडित जी कहां, थोड़ी देर धैर्य भी नहीं है, धीरज नहीं है आदमी, बिल्कुल मनुष्य को बिल्कुल धैर्य है ही नहीं, बिल्कुल तत्काल जाइए जा। और ज्यादा अगर उनसे कहो कि थोड़ी देर आप रुक जाओ, 2100 दिया है, फोकट में आया, गलत। हम ये नहीं कह रहे आपसे कि आपने पैसा नहीं दिया या जमा नहीं किया, थोड़ी व्यवस्थाएं हैं। और ये भागवत कथा जो हम कर रहे हैं, ये हमारे अकेले की तो है नहीं, आप सबकी कथा है, आप सब इसके आयोजक हो। और इस आयोजन को कोई व्यक्ति विशेष सफल नहीं बनाता, ये तो ईश्वर की कृपा, सदगुरु की कृपा और जनता जनार्दन का सहयोग ही ऐसे आयोजन को सफल बनाता है। आप सब सहयोग कर दो, भोजन में थोड़ा सहयोग कर दो, चाय नाश्ते में थोड़ा सहयोग कर दो, व्यवस्थाओं में थोड़ा सहयोग कर दो, अपने आप ऐसे आयोजन अनवरत चलते रहेंगे और भगवान के धाम में बैठ के हम कथा सुनते और सुनाते रहेंगे भगवान के यहाँ। आप एक चीज बताओ, साल भर में इस कथा का सबको इंतजार रहता कि नहीं रहता? एक साल इंतजार रहता, उनकी अब अगली कथा कहाँ होगी, उनकी अब फलानी जगह होगी, और वहां फिर वहां की तैयारी शुरू, फिर वहां से तुम चल रहे। 1 साल हम इस कथा का इंतजार करते, केवल 7 दिन के लिए। क्यों? ताकि भगवान के सानिध्य में 7 दिन के लिए हमको रहने के लिए मिल जाए, केवल ये 7 दिन अपने को मिले। और इनका भी अगर हमने फायदा नहीं उठाया तो फिर संत महापुरुषों ने कही है कि फिर आना बेकार है और जीवन भी बेकार है सर, अगर इसका हमने फायदा नहीं उठाया। इसलिए आपसे निवेदन है कि कथा में जाओ, मंदिर में जाओ, ये मान के जाओ कि परमात्मा अब मैं यहां आके बैठ गया और ये 7 दिन की मेरी तपस्या तू मान लेना। कल आपसे कही थी ना, यहाँ हम चार्ज होने के लिए आए, काय के लिए चार्ज, अपनी बैटरी खुट गई थी। मोबाइल देखा होगा नहीं आप, उसमें बैटरी खत्म होती है, फिर वो लाल पड़ जा वो बैटरी, और बैटरी खत्म के मोबाइल बंद,
ऐसे ही है हमारे अंदर भी संतों ने कही है बैटरी है, आत्मा क्या है वो बैटरी है, पर यहाँ भगवान शिव के सानिध्य में आ गए तो भगवान शिव की कृपा से और भगवान शिव के आशीर्वाद से हमारी बैटरी फिर से चार्ज हो जाएगी, फिर साल भर पूरे, फिर अगली कथा के लिए हम सब निकल पड़ेंगे जहां परमात्मा भेज देगा है? तो आपसे निवेदन है बराबर ये मान के रहो कि साब में 7 दिन यहाँ एक तपस्वी महात्मा के पास बैठा हूं, ये भगवान शिव सबसे बड़े तपस्वी है और मेरा भगवान तो आप कुछ मत करना, मेरा केवल आप भजन बढ़ा दो बस। क्या मांग के जाओगे भगवान से? भगवान आप ना धन बढ़ाना, ना पद बढ़ाना, ना प्रतिष्ठा बढ़ाना, ना परिवार बढ़ाना, हे रामेश्वरम भगवान आप मेरा केवल भजन बढ़ा दे। और अगर भजन बढ़ गया है तो अपने आप आत्मा की सदगति हो जाएगी। हमने परिवार बढ़ा लिया, पद बढ़ा लिया, प्रतिष्ठा बढ़ा ली, धन बढ़ा लिया, जमीन जायदाद बढ़ा ली, पर भजन कम हो गया, इसलिए भजन बढ़ाओ बैठ के। भजनदार बनो, भजनदार मत बनो। कई भजनदार है उनकी मेरे फलाने नेता से इतनी पहचान, वो वजन बताए अपनो वजन बताए, पर भजनदार नहीं होना। कौन होना? भजनदार। भजनदार तो संसार में लाखों लोग मिल जाएंगे पर भजनदार आपको बहुत कम ही मिलेंगे। और याद रखना भगवान भजनदार की नहीं सुनता है, भगवान भजनदार की सुनता है। भगवान ने आज तक भजनदार की नहीं सुनी। कौन की सुनी? भजनदार की सुनी है। द्रौपदी आपने सबने कथा सुनी होगी द्रौपदी की। द्रौपदी भजनदार थी के भजनदार थी है? कहा था ना द्रौपदी ने क्या भूल गए बनवारी जब उंगली कटी तुम्हारी, क्या भूल गए बनवारी जब उंगली कटी तुम्हारी, क्या भूल गए लोग हंसेंगे तेरे नाले।
बोला कि भगवान तत्काल हाजिर हो। हम भजनदार है पर भजनदार भजनदार कितने ही बन जाओ आखिरी में कुछ हाथ लगना ही नहीं, कितने ही बड़े बन जाओ पर मौत एक झटके में सब समाप्त कर देगी। मरने के बाद रहेगा क्या? मरने के बाद नाम बदला जाएगा, मरने के बाद लिबास बदला जाएगा और मरने के बाद मकान बदला जाएगा। तीनों ही चीज बदला जाएंगी मरने के बाद। वो तो जब तक जिंदे हैं तब तक ये तीनों चीजें हैं। जैसे मरे, मरने के बाद नाम बदला गया, क्या रखा गया? स्वर्गीय। क्या हो गए? अपनो नाम तो बाद में आओ, पहले क्या नाम रखा है? हैं? मरने के बाद नाम स्वर्गीय हो गया, मरने के बाद लिबास कपड़ा कफन हो गया और मरने के बाद मकान शमशान में बदल गया। क्या रहा अपना? तीनों चीज बदल गई, कपड़ा बदल गया कफन में, नाम बदल गया स्वर्गीय में, और मकान के बाद कहां चले गए अपन? शमशान। तीनों चीज बदला गई। इसलिए निवेदन है कि भगवान से कहो, भगवान मेरे को भजनदार मत बनाए, मेरे को तू भजनदार बना। इसलिए अपने भजन को बढ़ाओ, अपने सुमरण को बढ़ाओ। और आए अपन इसीलिए, थोड़ा भजन करो, थोड़ा सुमरण करो बैठ के, है ना। यहाँ माताएं बहनों से भी निवेदन है, रात को यहाँ भजन होते, आप यहाँ के भजन गा लो, व्यवस्था है, भजन होते बढ़िया, आके यहाँ भजन गा लो। अब भोजन की तो चिंता है ही नहीं कि बनानो है, है? कोई बनाने की चिंता ही नहीं, अब तो केवल खाओ और अच्छा। जी व्यवस्था बहुत अच्छी लगी कि भोजन एक टाइम है, उसको सबसे बड़ो फायदो जो है 3-4 बजे खा लो तो 12 बजे रात के नींद अपने आप खुल जाए, क्योंकि भूख लगे। सबसे बड़ा फायदा है 12-1 बजे रात के अंदाज लगाना आप 3-4 बजे कर लेते हो। कई कह रहे थे हमसे, एक दो कह रहे थे पंडित जी ये भोजन को थोड़ा बढ़वाओ। भोजन क्यों बढ़ो? अरे बोले पंडित जी वो 4-1 बजे खा लियो तो 12-1 बजे फिर मांग आई हुई। हमने की फिर क्या करो? अरे बोले कई करो के बिस्तर में पलटी मारू। हमने की पलटी क्यों मारू? तो अगर भूख लगे आज फिर सुबह का इंतजार करो। वो तो करे ही पंडित जी के। हमने फिर क्या नींद नहीं आए? हमने की बैठ के भगवान को भजन करो। कितनी बढ़िया व्यवस्था है। इसलिए बहुत अच्छा लगा कि ये कई टेम है। शाम को 3-4 बजे कर लिया, उसके बाद फिर रात को सो गए। अच्छा लगती कि नहीं 12-1 बजे? सही बताना बिल्कुल। रामेश्वरम में बैठे हो 12-1 बजे अपने आप भीतर से वो पेट मांगे उड़ के ही ले आओ, फिर धीरे से क्या कहो? अब तो भैया सवेरे ही मिलेगो नाश्ता। बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि जीवन जो है वो हमारा खाने में पीने में ये सी में तो जा रहा है, तेरे और मेरे में। हम स्वयं के लिए तो कभी कुछ कर ही नहीं पाए, वो तो यहाँ रामेश्वरम में आके बैठ गए है, यहाँ आके बैठ गए, यहाँ आके हमने कथा सुन ली, यहाँ आके हमने भगवान का भजन कर लिया, ये हमारे लिए हमने किया। जब भी हमने किया तो दूसरों के लिए किया, परिवार के लिए किया, बच्चों के लिए किया, समाज के लिए किया, पत्नी के लिए किया, पर अपने लिए क्या किया? कभी सोचो मैंने अपने लिए क्या किया? ये जो बड़े बड़े यजमान बैठे हमारे, जिन्होंने बड़ी बड़ी राशि दी, आदरणीय हमारे मनोज भैया जिन्होंने 1 लाख रुपए की राशि दी इस कथा के लिए, जो हमारे और यजमान बैठे आदरणीय माखन गौर जी है और अशोक जी गौर है, जवाहर सिंह सोलंकी जी है, निवारिया जी है, ये बद्री प्रसाद जी रघुवंशी, ये भैया जी पटेल जैसे, ये इन्होंने एक राशि दी इस कथा के लिए, बड़ी बड़ी राशियां दी है इन्होंने।
तो ये जो राशि मिली वो राशि की बदौलत ये कथा हो रही है। और हम इनसे एक ही बात कहते हैं, आपने ये जो पैसा इस कथा में लगाया, ये कथा में लगा हुआ पैसा ये आपके काम में बाद में आएगा, ये आपने स्वयं के लिए किया है, मेरी आत्मा के लिए किया है आपने। क्या मेरी आत्मा को ईश्वर कहीं दुर्गति नहीं होने देगा? क्यों? क्योंकि मैंने ईश्वर के काम में पैसा लगाया है। सोचो मैंने क्या किया, पर वो मोह जो है वो हमें सोचने ही नहीं देता है। सोचते सब है, सबको मालूम है, कोई नई बात नहीं है, खाली आए थे और खाली जाना है, कोई सब पूछो है, वो जाना तो पड़ेगा। कोई हंस के मरा, कोई रोके मरा, पर जिंदगी उसी ने पाई जो हरि का होके मरा। जाना तो पड़ेगा, पर वो समस्या वो मोहरूपी जो ताला है वो ताला नहीं टूट रहा है। और ताला अगर टूट जाए तो फिर संतों ने कही है भगवान का मिलना मुश्किल है भी, पर ताला है। समस्या क्या है? ताला। और वो ताला खुलना चाहिए। और जिसने मोहरूपी ताले को खोल दिया, महापुरुषों से सुना है, फिर उसकी आत्मा की सदगति हो जाती है। इसलिए इस मोह को देखो कि मेरे अंदर कितना मोह है। मोह रखो, मोह सबके अंदर है, काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से, इनसे कभी कोई बच नहीं सका है। पर लिमिट में होना चाहिए। आप सब्जी बनाते हो, दाल बनाते हो, हर चीज लिमिट में डालते हो कि नहीं? सब्जी में नमक लिमिट में ही डालो कि कूट दे हो? मिर्ची लिमिट में, नमक लिमिट में, तेल लिमिट में, जीरा लिमिट में, पर ये काम क्रोध लो मोजे ये तो अनलिमिटेड है। वो एक मोबाइल में वाउचर डले ना, पहले वो डलता था, उनके पैसा खत्म तो बात खत्म, अब तो अनलिमिटेड। ऐसे ही संतों ने कहा जैसे सब्जी में सामान डालने का लिमिट है, ऐसे ही शरीर में भी काम क्रोध लोभ मोह को डालने का लिमिट है। काम ईश्वर भगवान भी आए, उनके जीवन में भी आया, क्रोध काम क्रोध लोभ मोह ये भगवान के जीवन में भी आया, तो हम साधारण इंसान है, हमारे जीवन में भी आएगा। परंतु संतों ने कही एक लिमिट। भगवान राम को भी क्रोध आया है। कौन को? भगवान राम को। कहां आया था ये? जहां अपन बैठे इसी के किनारे। आपने यहां समुद्र देखा? देखा जगन्नाथ जी और द्वारका का समुद्र? देखा? देखा होगा जैसा द्वारका में और जगन्नाथ में वो पल्लर चले, यहां चल रही गया। समुद्र नारायण के दर्शन करके आना शाम को, वे समुद्र नारायण ऐसे देखे जैसे अपने इधर नर्मदा जी बह रही है। वो जगन्नाथ जी में चले जाओ तो पल्लर पे पल्लर, पल्लर पे पल्लर चली आ रहे। द्वारका में चले जाओ तो पल्लर पे पल्लर, पल्लर पे पल्लर चली आ रहे। अच्छा यहाँ बिल्कुल शांत है। कारण मालूम आपको क्यों शांत है? जब वो त्रेता युग से डरा राम जी से, भगवान राम ने जो धनुष उठाया था ना समुद्र से, कई हाथ जोड़ के आप हमें रास्ता दो, हमें लंका में जाना है। लक्ष्मण जी ने कही प्रभु हाथ मात मत जोड़ो, आ तो धनुष बाण उठाओ और निपटाओ। भगवान ने कही नहीं रे, राम जी को क्रोध नहीं आया। तीन दिन बैठे रहे भगवान राम इसी समुद्र के आगे हाथ जोड़ के, भैया समुद्र मैं तेरे हाथ जोड़ता हूं, तू मेरे को रास्ता दे दे, मेरे को लंका में जाना है। आखिरी में समुद्र नहीं माना, उसी समय राम को क्रोध आया। कथा सुनी होगी आपने, भगवान राम को क्रोध आया, उसी समय राम जी ने धनुष बाण उठाए, लक्ष्मण अब तू जो कह रहा था वो ही करूंगा, इस समुद्र को समाप्त कर दूंगा मैं, सुखा दूंगा मैं। उसी समय समुद्र नारायण प्रकट हो गए, हाथ जोड़ के प्रभु
त्राहि माम रक्षा करो रक्षा करो। भगवान राम जी ने कई तीन दिन से कहां गए थे, राम को क्रोध आया पर आया और चला, ज्यादा नहीं टिका। फिर भगवान राम ने क्रोध किया क्या? हाँ, किसी महापुरुष ने लिखा है भगवान राम को समुद्र किनारे क्रोध आया, दूसरा क्रोध राम जी को कब आया, जब रावण को मारने गए थे तब, वो भी राम ने क्रोध को बुलाया, गुस्से को भगवान ने बुलाया, क्योंकि लड़ाई कब होगी, जब दो ही गुस्से में, और जबकि राम का कैसा स्वभाव है, कोमल चित अति दीन दयाला, कोमल चित अति दीन दयाला, कोमल चित चित कोमल हो है? उससे कहो कि तुमको गुस्सा आए या गुस्सा करो तो वो करेगा नहीं करेगा। भगवान राम रावण के सामने धनुष बाण लेके खड़े हैं और साथ में बानर कह रहे प्रभु मारो, कुछ गुस्से में तो आओ। राम जी की भैया गुस्सा ही नहीं आया, क्रोध आ ही नहीं रहा। अरे प्रभु जब तक क्रोध नहीं आएगा तब तक रावण मरेगा नहीं, और जब तक रावण मरेगा नहीं तो माता जानकी के बंधन मुक्त होंगे। राम जी ने कहा मैं क्या करूं, बोले आप क्रोध का आवाहन करो। कौन का आवाहन? क्रोध का। तो भगवान राम ने क्रोध का आवाहन किया, गुस्सा को बुलाया, भैया क्रोध कुछ देर के लिए तुम मेरे शरीर में आ, जिससे कि मैं इस रावण को। ए बोलो 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 मन हरे राम, बोलो रे बोलो बोलो मन हरे राम, बोलो रे राम महाराज की जय। तो क्रोध राम को भी आया पर इतने में काम भी रखो, क्रोध भी रखो, लोभ भी रखो, मोह भी रखो, पर कई के अंदर इतना है कि भैया पूछो बात बात में इतने लाल हो जाए वे। अच्छा उससे वे भी परेशान, उनके घर के परेशान, उनके साथ के परेशान, उनको हाथ जोड़ जोड़ के काम निकाल लो। कई की स्थिति तो ऐसी है जैसे वो डोसा कुताबा देखे हो आप, डोसा बने क्या हो गुस्सा वाला, कई की स्थिति है वो डोसा तवा जैसे कि वो डोसा के गरम तवा पे जरा पानी पटक्यो क्या वो धुआं उठ। ऐसे ही कई की आदत है जरा कुछ गलती हुई के बेभाव। पर एक बात भी है, धुआं थोड़ी देर रे, थोड़ी देर धुआं रे, उसके बाद फिर वो तवा ना आ। अब गुस्सा की मना नहीं कर रहे कि क्रोध मत करो, क्रोध बहुत जरूरी है जीवन में, क्रोध आना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अपने यहाँ कहावत कहते सीधी उंगली से घी, वो तो यूं ही करना ही पड़ेगा घर में परिवार पर थोड़ी देर और उसके बाद फिर क्रोध जरूरी है। लोभ भी रखो पर कितना, साईं इतना दीजिए जाओ मैं कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु ना भूखा। बहुत पसारा मत करे कर थोड़े की आस, बहुत पसारा जिन किया वे भी गए निराश। इसीलिए लोभ भी रखो, ठीक है साहब मेरी व्यवस्था हो गई, मेरे लायक मेरे परिवार के लायक धन एकत्रित हो गया, बस अब ठीक। पर मनुष्य को मन नहीं भरे। संतों ने कहा है भिक्षा पात्र भरना आसान है पर इच्छा पात्र कभी नहीं भरता।
इच्छा पात्र भरा जाएगा। परीक्षा पात्र एक हुआ तो दस होते, दस हो तो सौ की इच्छा है। सौ पाकर के मन तृप्त नहीं के सहस्त्र हो तो अच्छा है। और ऐसा करते करते वो राजा के पद तक पहुंचा है। इतने पर भी मन तृप्त नहीं, ऐसी ये डायल तृष्णा है। और जब तक हृदय में तृष्णा है आत्म पर काश नहीं होता। आयु तो नष्ट हो जाती है पर तृष्णा का नाश नहीं होता। इच्छा कभी नहीं भाई। एक महापुरुष ने एक प्रसंग सुनाया। एक राजा था, तो वो राजा कहीं तीर्थ में गया दर्शन कर। आप ध्यान इधर रखना। अब वो राजा तीर्थ में गया दर्शन करने के लिए, उस राजा की नजर एक भिखारी के ऊपर पड़ी। कौन के ऊपर? एक भिखारी के ऊपर। उस राजा को दया आई, भिखारी है। उस राजा ने एक तांबे का सिक्का निकाला और भिखारी को दिया। भिखारी बैठा था, बाजू में नाला बह रहा था। क्या बह रहा था? नाला। अब वो पैसे देते समय, जब राजा उस भिखारी को पैसा दे रहा था, उस समय राजा के हाथ से जो भिखारी को सिक्का दे रहा था, वो सिक्का उस नाले में गिर गया। अब वो सिक्का गिरा, भिखारी को बड़ा दुख हुआ। रे बड़ी मुश्किल से तो एक सिक्का मिला तांबे का, राजा ने दिया और वो सिक्का भी नाले में गिर गया। वो रोने लगा। राजा के मन में दया आई। राजा ने उस भिखारी से कही, चल भैया वो तांबे का सिक्का गिराए गिर जान दे, मैं तेरे को चांदी का सिक्का देता हूं। काहे का सिक्का? चांदी का। राजा ने भिखारी को चांदी का सिक्का दिया। राजा को लगा कि अब ये भिखारी प्रसन्न हो जाएगा, तांबे के बदले में काहे का सिक्का मिल गया, चांदी का। उस भिखारी ने वो चांदी का सिक्का लिया, अपनी जेब में रखा और राजा थोड़ा आगे बढ़ा। भिखारी ने वो नाले में उस तांबे के सिक्के को ढूंढना शुरू कर दिया। अब वो राजा ने पलट के देखी, उन्हें कही भिखारी प्रसन्न होकर बैठा होगा तो वो नाली में हाथ चला ही रहा होगा। राजा ने पूछी, ये नाली में क्या कर रहा? लौट के आया क्या? अरे भिखारी, मैंने तेरे को चांदी का सिक्का दिया, तू नाली में क्या ढूंढ रहा? भिखारी ने धीरे से कही, राजा साहब आपने चांदी का दे दिया वो तो ठीक है, पर मैंने सोची वो तांबे को गिर गया है, उनको भी ढूंढ आई लो, उसको भी ढूंढ लो। राजा ने कही, चलो अभी इसका मन नहीं भरा। फिर सोने का सिक्का दिया। राजा के मन में आया कि सोने का सिक्का इस भिखारी को दे दूं, शायद ये तृप्त हो जाए, प्रसन्न हो जाए। सोने का सिक्का दे के राजा आगे बढ़ा। फिर कुछ दूर आगे जाने के बाद फिर उसने पलट के देखा तो फिर वो भिखारी वो नाली में फिर हाथ डाल दिया। राजा ने आके कही, मैंने तेरे को तांबे के बदले में चांदी का सिक्का दिया, सोने का सिक्का दिया। नहीं राजा साहब, वो तो आपने दे दिए वो तो ठीक है, पर इस समय मेरे को अगर जेबी मिल जाता तो। मतलब वृत्ति को देखिए, इतना मिला, चांदी का मिला, सोने का मिला, पर मन कहां अटका है? तांबे में अटका। ये स्थिति हमारी है। परमात्मा ने अपने को इतना बड़ा परिवार दिया, घर दिया, अच्छी पत्नी दी, अच्छे पुत्र दिए, जमीन दी, जायदाद दी, पर उसके बाद भी हमारा जो मन है कभी तृप्त नहीं हो पाता है। इसलिए इस मन को समझाया करो बैठ के, है ना? काम रखो, क्रोध रखो, लोभ रखो, मोह रखो, पर इस मन से कहा करो कि ना मन, थोड़ी देर तू इस संसार से भी निकल के और भगवान के भजन करने का प्रयास किया। कबीर ने बहुत अच्छा एक पद गाया है, ओ मन तो है के ही विधि कर समझा। कबीर साहब का पद, ओ मन तो है के ही विधि कर समझा। मन तो है के ही विधि समझा। मन तो है के ही विधि कर समझा। मन तो है के ही विधि कर समझा।
चाबुक खूब चला अमरापुर ले जाओ मन तो है कई दीकर समझाओ मन तो है कई दीकर Yeah.